जो हम जल संसाधन के अंतर्गत हम आपको समझा चुके हैं जल संसाधन क्या है। अब उसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि प्रश्नोत्तर क्या है। ये सारी बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थिति को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है। फिर वक्ता को उद्देश्य परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है। फिर यहाँ कुछ गलत पहचाने और दोबारा लिखें, मतलब गलत क्या है वो देखना है। फिर यहाँ पर जो है जैसे जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र सभी हैं। फिर यहाँ बहुउद्देश्य ये उत्तर दिए हुए हैं, जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र का खागा, जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र का। फिर बहुउद्देश्य परियोजना बेहतर विस्थापन, आजीविका खत्म होती है, शहरों की जनसंख्या, उनकी विशालता, ये सारे उत्तर दिए हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं और इसे पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग उद्योगों और घरेलू कामकाज में किया जाता है, जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता है। जल को साफ करके हम इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। इसकी दुर्लभता के कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या के कारण, अधिक जनसंख्या घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। फिर जल का असमान वितरण है, वर्षा बहुत कम होती है, कहीं बहुत अधिक हो जाती है, कहीं जल मिलता ही नहीं है। फिर है निजी कुएं नलकूप, किसान अपने खेतों में निजी कुएं और नलकूपों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इसके कारण भी भू का जल स्तर गिरता जा रहा है। फिर औद्योगिक स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण के कारण भी भारत में अलवणीकरण जल संसाधनों का दबाव बढ़ा है, इसके कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, ऐसी बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। लाभ नदियों में बांध बनाकर सिंचाई ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, नौका चालन, ये सारे कार्य भी उसमें होते हैं। और इसके साथ साथ बाढ़ के से कई मैदान में बने जलाशय में मौजूद वनस्पति मिट्टी जल में डूब जाती है, इसके भी परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका, संसाधन लगाव, नियंत्रण आदि को भी कुर्बान करना पड़ता है। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान में अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण किस प्रकार किया जा सकता है। जल संग्रहण के तरीके हमने आप लोग को बताए थे, जैसे कि लोग अपने घर में टांका बनाकर करते हैं, छत का पानी जो है नीचे टांका बनाकर उसमें इकट्ठा करते हैं, फिर वर्षा का पानी नलों द्वारा भूमिगत टांका में इकट्ठा करते हैं, फिर टांका जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। इसको ग्रीष्म ऋतु में पीने से जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत माना जाता है और प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। और यह टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं जिसमें कमरों को ठंडा करने का कार्य भी करता है। फिर हम देखेंगे परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धतियों से किस प्रकार से आधुनिक काल में अपनाकर जल भंडारण किया जा सकता है। प्राचीन का भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी बन पाए जाते हैं। लोगों की वर्षा पद्धति में मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। फिर उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकताओं, जल वर्षा जल, भौम जल, नदी के जल, बाढ़ संग्रहण आदि को भी तरीके से विकसित किए जा सकते हैं। फिर इन सब विधियों को अपनाकर हम जल संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि राजस्थान में बहुत से घरों में छत का वर्षा जल संग्रहण भूमिगत टांकों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में हम बताया आपको कि जल संग्रहण किस तरह से कर सकते हैं, समस्या से किस तरह से निपट सकते हैं। अपने घरों में जल की आवश्यकता की पूर्ति जल वर्षा संग्रहण की व्यवस्था की गई है। मेघालय में नदियों व झरनों में जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि को प्रचलित है। शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों से वर्षा जल एकत्रित करने के लिए अब गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। और जैसलमेर जिले में खदीन और जोहड़ में उसके उदाहरण है, जो कि पहाड़ी गुल पुल और वाहिकाए नदी है जो धारा के रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संग्रहण या वर्षा जल संग्रहण या भंडारण किया जा सकता है। इससे हम देखते हैं कि जल को संग्रहित करके हम बहुत से क्षेत्रों में बहुत से कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा है कि पानी यदि नहीं है तो हम पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे जो है
हम